हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम पॉलीनोमियल्स पर चलते हैं। ये जो टॉपिक है वो क्लास टेंथ के लिए अपलोड किया जा रहा है, तो आइए अब हम पॉलीनोमियल्स पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें आपके सामने दिख रही है पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या है। लेट एक्स बी अ वेरिएबल, क्या है लेट, हमने माना है कि एक्स भी है क्या है, वेरिएबल रहेगा किसी भी इक्वेशन में। लेट एक्स बी अ वेरिएबल एन, और एन क्या है, एन भी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एंड ए वन ए टू से डॉट 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 ए एन भी है कॉन्स्टेंट रियल नंबर्स, यानी कॉन्स्टेंट से रहेंगे और रियल नंबर रहेंगे। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो इज कॉल्ड अ पॉलीनोमियल इन अ वेरिएबल ऑफ एक्स। तो एक्स के वेरिएबल के साथ इस चीज़ को क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल कहेंगे। वेयर आप जानते हैं जहाँ क्या हो रहा है, ए एन माइनस वन से डॉट 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 ए वन और ए जीरो आर द कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और एक्स के क्या हैं कॉफिशियंट्स भी हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे ना, तो इसकी देखो एक्स की पावर एन, इधर एन माइनस वन, इस तरीके से एक्स की पावर वन और इधर एक्स की पावर जीरो हो गया। इसका मतलब है कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है, यानी डिग्री होती है, वो घटती जाती है पॉलीनोमियल में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स की पावर जीरो है और यहाँ एक्स की पावर वन है। इस तरीके से यहाँ पे डिग्री जो है घटती जाती है। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में इज अ पॉलीनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स, ये इज, देखिए ये जो दिया रहेगा तो इसके साथ लिख दीजिएगा इज ए पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स के वेरिएबल के साथ में है ये। तो आई होप आपको ये पॉलीनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए आगे आप पॉलीनोमियल की डिग्री के बारे में समझते हैं। तो चलिए डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में समझते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, टर्म इन द पॉलीनोमियल इज नॉन एज इट्स डिग्री। जो एक्सपोनेंशियल, जैसे कि एक्स रहेगा, एक्स की पावर जो भी रहेगी वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री हो टर्म, जो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है इन अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल में इज नॉन, उसे ही जाना जाता है एज इट्स डिग्री, उसे ही पॉलीनोमियल की डिग्री के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इन शॉर्ट अदर टर्म में कहें, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्डों में कहें तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी इक्वेशन में यानी हाईएस्ट पावर रहेगी ना, वही पॉलीनोमियल की डिग्री कही जाएगी, ठीक है। जैसे द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, तो वही क्या हो जाएगी, पॉलीनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन बाई टू इज अ पॉलीनोमियल, क्या है एक पॉलीनोमियल है। यहाँ देखा जाए तो एक्स की पावर रहेगी वन और यहाँ रहेगी एक्स की पावर जीरो, तो यहाँ x की पावर 1 जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन द वेरिएबल x, इस x के वेरिएबल में डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई है। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स, इन पॉलीनोमियल्स के जो आपके नीचे दिख रहे हैं पॉलीनोमियल्स, इनकी आपको डिग्री बतानी होगी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, जो ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूंगा। वैसे तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पॉलीनोमियल्स के टाइप्स को बारे में पढ़ेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए, ये है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल में पहला टाइप हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होगी, तो ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, किसी भी पॉलीनोमियल की अगर डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो उसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके रूप में एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन, ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक्स की पावर इज जीरो, जीरो का मतलब वन,
वन का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इधर 3/2 माइनस के 3/2 एक्सेट्रा आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब क्या हो जाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे तो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे ये सब। तो इसके बाद हमें इसी में दूसरा टाइप पढ़ना है, एक जीरो 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 पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपके लिए थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। तो आइए जीरो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसके पहले हमने समझाया उसी का एक ही पार्ट हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या कहा जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री जो होगी जीरो पॉलिनोमियल की हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पता नहीं है कि इसके साथ एक्स की पावर कितने का मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि जीरो में किसी भी ना बड़े से बड़े पावर का भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी आंसर जीरो ही आएगा। इसे एच एक्स इज इक्वल टू जीरो आर ऑल इक्वल टू द जीरो पॉलिनोमियल्स, ये सभी कैसे होंगे, इक्वल ही हो जाएंगे, तो इसलिए हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।